We nurture with care, developing the vision and determination. We shape the future of the nation. We are Great Men International School. पुलिस जब अपराधियों को पकड़ने पहुंची तो उनकी गुंडों के साथ मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। घटना इंदौर के एमजी रोड थाना क्षेत्र अंतर्गत पत्थर गोदाम से सामने आई। बताया गया कि क्राइम ब्रांच की टीम सूचना के आधार पर अपराधियों को पकड़ने गई थी, जहां बदमाशों ने टीम पर फायरिंग कर दी, जिस पर टीम ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक गुंडे को गोली लगी है। इस घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। जानकारी के मुताबिक तीन आरोपी अकरम उर्फ जिन्न, इमरान उर्फ इम्मू और जफर को पुलिस ने पूछताछ के लिए गिरफ्तार किया था। इसी दौरान दो आरोपी अकरम और इमरान मौका पाकर भाग निकले थे। पुलिस टीम ने पीछा किया तो दोनों आरोपी पत्थर गोदाम के पीछे खाली पड़े मैदान में छिप गए। पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों आरोपियों को आत्मसमर्पण करने को कहा तो उन्होंने क्राइम ब्रांच की टीम पर गोली चला दी, जिसके बाद जवाबी फायरिंग में एक बदमाश अकरम घायल हो गया, जिसे एम्बाय अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया। शातिर बदमाश को पकड़ा था, उनसे पूछताछ के लिए लाए थे। तीन बदमाश थे, इसमें एक इमू इमरान था, दूसरा जो है वो अकरम जिन था और तीसरा जफर था। और पूछताछ उनसे की जा रही थी, इसमें इनाम भी घोषित था एक अपराधी पे। और पूछताछ के बाद में एक हवालात में था, दो लोगों से जब पूछताछ के लिए थाना प्रभारी ने बातचीत उसे उनसे और पुराने रिकॉर्ड पता करने के लिए बुलाया तो ये थाने से भागे हैं। थाने से भागने के बाद में क्राइम ब्रांच की भी पीछा की है पूरी टीम ने, इसमें टीआई धनेन भदौरिया और इसकी पूरी टीम थी। पीछा करते करते इनको जानकारी मिलती रही तो ये पत्थर गोदाम के पीछे के ग्राउंड में ये लोग दिखे हैं। इनको बोला गया है कि भाई आत्मसमर्पण कर दो, तो इनका भी कहना था कि ललकारने के लिए ये भी फायर किए हैं, तो इसमें इन्होंने पुलिस पे भी फायर किया है और पुलिस ने आत्मरक्षा के लिए गोली चलाई है। तो इसमें उमर इमरान के पैर में गोली लगी है और जो अकरम जिंद है उसको भी गोली लगी है। इसमें जो इमरान है इसके करीबन 52 अपराध हैं, उसमें 5 तो 307 है, 307 मतलब गोलियां मार रहे हैं, कई लोगों को चाकू मार रहे हैं और 3 बार इनका NSA हो चुका है। और जो अकरम जिंद है इसके खिलाफ भी अच्छे खासे अपराध हैं, जफर के खिलाफ भी काफ़ी अपराध हैं। आरोपी हैं इमरान उर्फ इम्मू और अकरम उर्फ जीन। पत्थर गोदाम है जहां हम लोग खड़े हुए हैं, कलाली के पास से फिर दिखे ये भागते हुए। पुलिस इनको घेराबंदी कर रही थी, पुलिस के ऊपर पत्थर फेंकने लगे, इनमें से एक ने जो है पुलिस के ऊपर फायर किए। जवाबी कार्रवाई ने जो है मैं पुलिस ने भी जो है इनके ऊपर फायर किए, तो इनको जो है चोट लगी, इनका मेडिकल कराने के लिए MIH भेजा गया है और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। थाने से पूछताछ के लिए जो है लाया गया था, तो पूछताछ के वक्त जो है जब ये TI के पास जा रहे थे तो उसी समय जो है करना वगैरह चल रही थी और ये मौका देख के धक्का धक्का वगैरह देख के जो लोग इनको जो है ले जा रहे थे बातचीत के लिए उनको धक्का देके ये लोग भाग गए हैं। इसमें जो इमू है इसके ऊपर 50 के आसपास अपराध हैं, पूर्व में NSA वगैरह भी हुआ है, पूर्व में भी इसकी जो है थाने से भागने की सौरत है, पुलिस कर्मियों के साथ में भी जो है इस तरीके से धक्का मुक्की मारपीट करने की सौरत है। Great Men International School always thinks different and strives to bring more innovation in the pedagogy and grooms the children to face the challenges of the world. We do believe that education is a unique blend of classrooms and playgrounds, of listening and talking, of academic and co-curricular activities, Indian methodology and Western methods, and of course, fun as well as discipline. GIS is celebration of knowledge, eco-friendly, interactive, technology-friendly, vision-oriented, motivating, a very live and organic place.